आज का टॉपिक है पेशेंस पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है बट क्लियरली मैं बहुत इम्पेश इंसान हूँ तो वो चीज़ कैसे ग्रो करे सर पेशेंस मेरे अकॉर्डिंग मुझे इसका कोई मतलब नहीं पता है गूगल कुछ कहता है लोग कुछ कहते हैं बट जब मैंने खुद में देखा है जैसे मैं अपना दिन स्टडी से स्टार्ट कर रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल तो सर मेरे अंदर एक बहुत एंग्जाइटी एक रश रहता है कोई चीज़ मैंने अगर बहुत टाइम रिपीट कर दी मैं गिव अप नहीं करती हूँ कभी भी नहीं बट वो पेशेंस के साथ थोड़े टाइम में बहुत डेडली लगने लगता है कि अब ये चीज़ें हो नहीं रही हैं मज़ा नहीं आ रहा है लाइव फील नहीं हो रहा है पता है कि सुबह उठ के रोज़ एक काम रिपीट करना है सो आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज़ पेशेंट एक्चुअली एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू सर सर बेसिकली अगर हमें किसी भी फील्ड में अगर करियर वाइज या अगर हम ग्रोथ की बात करें अगर किसी में भी एक्सेल करना है तो वो हमें पता है ओवरनाइट नहीं होने वाला है वी हैव टू वर्क रियली हार्ड और उसके लिए पेशेंस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए फॉर एग्जांपल मैं फिटनेस कंटेंट बना रहा हूँ दो सालों से पहले डेढ़ साल कुछ रिटर्न नहीं आया तो आए डाउन मूवमेंट्स से लोग क्विट कर देते हैं कुछ मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हो रहा लेकिन वो पेशेंस रखा कि एक स्किल समझी कि नहीं पेशेंस रखेंगे आएगा बाद में आएगा तो अब वो उसके टेन एक्स रिटर्न दिखते हैं लेकिन कभी कभी अभी भी फेजिज़ आते हैं कि जब आपका बड़ा गोल है आप देख रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम तो कितना वो पेशेंस रखे जब देख रहे होते आस पास की हो नहीं रही चीजें जिस हिसाब से होनी चाहिए लेकिन पता है बैक ऑफ द माइंड कि पांच साल बाद ये चीज एक्सप्लोर करेगी और अच्छा होगा लेकिन उस टाइम को सस्टेन कैसे करे वहां पे पेशेंस कैसे रखे हाउ डू यू नो कि जो आपको लगता है कि पांच साल बाद ऐसा कुछ हो जाएगा मार्केट में वो सच है या झूठ है आपको लगता ही तो है बेस्ड अपॉन योर थिंकिंग योर अंडरस्टैंडिंग विच इज वेरी वेरी लिमिटेड थिंकिंग बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड आपने कुछ थोड़ा बहुत कहीं पे देख लिया है और उसके बेस पे एक डिसीजन ले रहे हो तो पहले तो अपनी उस नॉलेज को इंफॉर्मेशन को और पक्का करते चले जाओ यू मस्ट हैव अ क्लियर कट एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक बिहाइंड वट एवर यू आर से तब हम कह सकते हैं कि अब आपका कन्विक्शन एक्चुअल में स्ट्रांग है इनफैक्ट कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आता कहां से है कभी सोचा है जैसे किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई इंसान होता है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है किसी में कम होता है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बैक्ट बाई रिसर्च बैक्ट बाई वॉट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द मार्केट नॉट कि जैसा हमको लगता है दोनों में बड़ा फर्क है हम उसके बेस पर जैसा हमको लगता है कुछ भी प्लान बना लेते हैं उस प्लान पर टिके रहते हैं अपने प्लान को चेंज नहीं करते हैं और कहते है कि हमारे अंदर पेशेंस है फिर पांच साल बाद कुछ नहीं होता है अब फिर हम ना यहां के रहते हैं ना वहां के रहते हैं नाइनटी परसेंट से ज्यादा बिजनेस फेल हो जाते हैं पांच साल के अंदर अंदर तो 90 प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा तो बैकअप प्लान क्या है दिस इज पार्ट ऑफ पेशेंस जैसे गाड़ी अगर पंचर हो गई तो ऑप्टिमिज्म एक्साइटमेंट कि अरे मेरी गाड़ी तो पंचर हो ही नहीं सकती और हो गई तो देख लेंगे ना कर लेंगे तब की तब देखी जाएगी समझ गए प्रॉब्लम एक है आप जाने से पहले ही एक बैकअप प्लान बना रहे हो यानी स्टेपनी है उसमें भी हवा चेक करी और चल पड़े पेशेंस आ गया आपके अंदर नहीं तो जितना एक्साइटेड होगे उतना ही डिप्रेस भी हो जाओगे जब गाड़ी पंचर होगी फिर गाड़ी पे जा करके लाते मारोगे क्योंकि ये क्या हो गया ये मैं कहाँ फंस गया आ के यहाँ तो दूर दूर तक तो कहीं कोई नहीं है समझ के गड़बड़ मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना कितना टाइम कितना पैसा एक आइडिया के पीछे लगा दिया और उनके ऊपर डेट आ गया है यानी पैसा उठा लिया यहां वहां से अब ना वो यहां के रहे ना वहां के रहे तो अब यहां पे जो बात समझने वाली है ना वो ये है कि पेशेंस के नाम पे कहीं हम कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे ये कैसे पता लगेगा नंबर वन यू मस्ट ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान प्लान प्लस जब आप ए पे काम कर रहे हो तो वो काम नहीं कर रहा है वो आपको समझ आ गया एक दो महीने में बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो अब कैसे पिवट किया जाए क्या कुछ अलग किया जाए कैसे किया जाए दैट यू नीड टू कीप ऑन इनोवेटिंग कीप ऑन चेंजिंग रिजिट नहीं होना होता है वहां पर अब इसी फंडे को हम लगाते हैं कोई एंट्रेंस आप क्रैक करना चाहते हो एक बार ट्राई किया थोड़ा आसपास पहुंच गए और वो नहीं हुआ चलो समझ आता है। अगली बार ट्राई किया मेक सेंस दूसरी बार फिर थोड़ा और पास पहुंच गए कट ऑफ के नहीं हुआ कोई बात नहीं तीसरी बार में हो जाएगा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है बट पहली बार आपने अटेम्प्ट किया बहुत दूर हो दूसरी बार और दूर हो लेकिन कॉन्फिडेंस पहले से भी ज्यादा बढ़ गया अब ये कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है ये आ रहा है कि ये दुनिया मेरे को उल्टा बोल रही है ना अब दिखाऊंगी मैं इस दुनिया को कि मैं क्या हूं पर अगर ऐसा कोई सोचता हो कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि वो खुद के अंदर कुछ चाहत हो लाइक जो आप कहते हो पर्पज ऑफ लाइफ हो वो समझ लिया हो या समझने के लिए दूर तक हो पर हो इसमें हमें कोई भी कॉन्सेप्ट को घुसाने की जरूरत नहीं है ना पर्पज ऑफ लाइफ को ना चाहतों का कोई रोल है आप चाहते हो उसको क्रैक करना लेकिन कैपेबिलिटी है नहीं एक बेसिक नेचर भी तो होता है हर एक का एक बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर भी तो होता है जैसे मेरे जैसे कुछ निकम्मे लोग होते हैं वो पढ़ने के लिए बने ही नहीं है तो अब क्या करें अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये कर लूं लेकिन पढ़ाई में मेरा मन लगता नहीं है तो क्लैश आ गया ना तो पहले आपको अपने बेसिक नेचर को समझना पड़ेगा बॉडी माइंड का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि रिजल्ट से आप कितना दूर हो एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए क्या करना है क्या सेक्रीफाइजेस देने हैं कितना पेन सहना है क्या उस पेन को सहने के लिए तैयार हो या फिर थियरटिकली तो तैयार हो कि हां मैं सह लूंगी उस पेन को लेकिन जब सहने की बारी आती है तब हम प्रोकेस्टिनेट कर देते हैं आज नहीं सहूंगी कल सहूंगी और वो कल कभी आता ही नहीं है यानी आज नहीं पढ़ूंगी आठ घंटे कल पढ़ूंगी और वो कल कभी आता ही नहीं है वो कल आता है एग्जाम से एक हफ्ता पहले ऐसे तो नहीं होने वाला तो सच बोलो अपने आप से कि मेरे से नहीं होगा और छोड़ो कुछ और करो वॉट इज योर बैकअप प्लान अगर वो नहीं हुआ तो तो वही अभी तक यही समझ आ रहा है सर कि अगर पेशेंस रखना है तो बेसिकली जो मेरा गोल है उसको छोटा छोटा में डिवाइड करना है और देखना है कि क्या ये छोटी चीज़ अचीव हो पा रही है अगर ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं नहीं तो प्लान बी पे चलते हैं परफेक्ट बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि मतलब अगर आप एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हो तो आपको दिमाग ये नहीं लगाना है कि इस स्टार्टअप में मेरा ये प्रोडक्ट है मेरा ये सर्विस है मानो ये हज़ार प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे या दस हजार कैसे बिकेंगे या एक लाख कैसे बिकेंगे या वो मेरा कॉम्पिटिटर है उसके तो दस लाख प्रोडक्ट बिक गए मेरे एक लाख कैसे बिकेंगे ये ये नहीं सोचना है. ये सोचना है है एक एक कैसे बिकेगा बिक बिक गया तो दो भी जाएंगे और तीन बिक गए जिस दिन उस दिन समझ जाओ नाउ यू आर इन फॉर समथिंग बिग क्योंकि एक तुक्का हो सकता है दो भी कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस हो गया तीन कोइंसिडेंस नहीं हो सकता सर मेरा ये है जैसे आप कोई भी बात कह दो एक एक बात सर और समझने की कोशिश करो मैं अभी क्या कह रहा हूँ समझ गए तो सारी समझ जाओगे अगर एक नहीं समझे तो कोई नहीं समझ पाओगे वही गया ना जैसे एक प्रोडक्ट बिक गया तो सौ भी बिक जाएंगे ठीक है तो अब इस बात को आराम से समझो जो बात मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपका बड़ा गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो उसको ब्रेक डाउन कर दो स्मॉलेस्ट पॉसिबल गोल में जब तक वो गोल अचीव नहीं होता है तब तक आपको इम्पेश चाहिए ताकि आप फटाफट फटाफट हसल करो चेंजेस लाओ अलग अलग चीजें ट्राई करो कभी ये किया कभी वो किया कभी वो किया यू मस्ट भी इम्पेश फटाफट फटाफट ये नहीं हो रहा तो वो करके देखो वो नहीं हो रहा तो वो करके देखो इसको अलग तरीके से करके देखो फिर ये देखो फिर वो देखो बट जहां थोड़ा सा भी कुछ हुआ अब आपको पता है थोड़ा हो गया ना अब कुछ बड़ा भी हो सकता है सो so सर यही चीज मतलब वो कन्विक्शन आया अगर मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात conviction आया लाइक आफ्टर वर्किंग विद पीपल करू पता है कि होगा ऐसा नहीं कि जस्ट बेस्ड ऑन एक्साइटमेंट तीन या तीन सौ के साथ में नहीं है हवा में नहीं है तीन है. सौ लोगों के साथ आई हैव वर्क ऑलरेडी उन लोगों है? ने कितने कितने रुपए दिए है सर ऑन एन एवरेज यू कैन से सेवन थाउजेंड ऑन एन एवरेज आपने एक से छ हजार लिया तो टोटल तो आपका हो गया तीन सौ इंटू छ हजार अठारह लाख रुपए का

तीन सौ हो गए ना अब कोई बैकअप नहीं चाहिए क्योंकि ये बैकअप आपको तंग करेगा बार बार दिमाग वहां पर लेकर के जाएगा वही देखना ना जैसी सिचुएशन बदलती है सब कुछ बदल जाता है क्योंकि अब आप ऑलरेडी 18 लाख का बिजनेस कर चुके हो ना चाहे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू किया चाहे यहां से किया वहां से किया और प्लेटफॉर्म एक थोड़ी है दुनिया में हजारों है अगर इंडिया में एक प्लेटफॉर्म है तो वर्ल्ड में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं नाउ यू डोंट नीड अ बैकअप प्लान क्योंकि किक स्टार्ट मिल चुका है दो चार पांच दस बीस पचास तक भी होता तो मैं कहता चलो बैकअप प्लान रखो अब किसी बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है अब तो अपना सब कुछ लगा देना है उसके अंदर अब ऐसा है कि आपने कहीं कुआ खोदना शुरू किया और पानी निकलना शुरू हो गया है अब बैकअप का क्या करोगे अब तो कंफर्म हो गया ना कि यहां पे पानी है अब तो उसको खोदते रहना है ताकि और पानी निकले में अपनी पूरी जान लगा दो उस किसी के बारे में उसके अंदर इतना डेप्थ में चले जाओ इतना उसको हर एंगल से देख लो कि अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये जो आपने किया एक तरीके से किया एक प्लेटफॉर्म के थ्रू किया और किस किस तरह से कर सकते हो कैसे कैसे कर सकते हो अब 300 से 3000 पे कैसे जाना है दैट्स वॉट यू नीड टू थिंक और जो लोग गए हैं उनकी बुक्स पढ़ो उनकी वीडियोस देखो ध्यान से देखो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो हो सकता है प्रोडक्ट में फर्क ना हो पैकेजिंग में फर्क हो क्योंकि आप बेसिकली फिटनेस की फील्ड में हो तो आप खुद एक प्रोडक्ट हो तो अब आपको देखना है कि उसमें जो लोग टॉप पे बैठे हैं वो अपने आप को कैसे मार्केट करते हैं तो हो सकता है आपको एकदम से नजर आए कह रहे उनका वे ऑफ ड्रेसिंग वे ऑफ प्रेजेंटेशन वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल अलग है मुझसे तो अब उस गियर में जाना है अभी आप पहले गियर में गाड़ी चला रहे हो अभी सेकंड गियर है फिर एक थर्ड गियर नज़र आएगा इंटरनेशनली कहीं पर यूएस में यूके में यूरोप में कहीं पर भी फिर एक फोर्थ गियर नज़र आएगा फिर फिफ्थ गियर नज़र आएगा और ये आगे बढ़ता ही रहेगा अपर लिमिट कोई नहीं है तो सर यहाँ पे तो पेशेंस का रोल नहीं है यहाँ पे तो जो चीजें आ रही है उस पर वर्क करते रहो और पता है कि ठीक है चल रहे हैं आगे करते रहो बस इंप्रूव नहीं करते अब यहाँ पे एक्चुअल में पेशेंस का रोल है ध्यान से समझना जब तक सक्सेस नहीं मिली है तब तक आपको इम्पेश होना है एक बार सक्सेस मिल गई है अब पेशेंस चाहिए क्योंकि अब एक दो दिन में नहीं होगा ये काम तीन का तीन या तीन का तीन लाख एक दो दिन में नहीं होगा अब आपको पेशेंस चाहिए अब स्ट्रैटेजी बनानी होगी क्योंकि अब आपको एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए अगले पांच साल की दस साल की कि क्या होगा तो सर कहीं ना कहीं वहां पे हमें ट्रेड ऑफ भी देखने पड़ेंगे अगर वो लॉन्ग टर्म हम देख रहे हैं तो कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेगी जो पड़ेगीफाइस की अपने बात बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी और छोड़ना ही चाहिए इसीलिए मैंने कहा ना अब बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है बैकअप प्लान की जरूरत तब तक होती है जब तक कि आप हवा में हो जब पैर जमीन पर है तो बैकअप प्लान की कोई जरूरत नहीं है जैसे सर्कस में होता है कि अगर नीचे गिरे तो नेट है तो नेट क्या है बैकअप प्लान है क्यों है क्योंकि आप हवा में लटक रहे हो तो जब तक हवा में हो बैकअप प्लान चाहिए क्योंकि गिरे तो मर जाओगे अब जब जमीन पे हो और गिर गए उसके लिए क्या बैकअप प्लान है पैदल चल रहे हो उसके लिए क्या बैकअप प्लान है सर इसमें डेली 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 बेसिस बेसिस पे कैसे रोल प्ले होता है पेशेंट्स का इंपॉर्टेंट नहीं है आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि पास्ट आपका आपको क्या कह रहा है डेटा क्या बोल रहा है आप क्या बोल रहे हो नॉट इंपॉर्टेंट घर वाले क्या बोल रहे हैं नॉट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स रिलेटिव दुनिया क्या बोल रही है नॉट इंपॉर्टेंट डेटा क्या बोल रहा है एग्जाम्पल आप एक एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हो तो आपने पिछली बार जो अटेम्प्ट दिया उसमें आप कितना पास पहुंचे तो डेटा क्या कह रहा है आप चाहते हो उसको क्रैक करना लेकिन एक्चुअल में आपने पढ़ाई करी है एक दो घंटा वो भी एग्जाम से दो महीना पहले तो डेटा कुछ और कह रहा है सर यहाँ पे एक ये चीज था कि जब जैसे आपने वो कहा कि जब 300 कस्टमर्स हो गए तो अब हमें बैकअप प्लान नहीं चाहिए तो यहाँ पे कई बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही आए ऐसा तो जरूरी नहीं है कई बार हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है तो उस पॉइंट पे हम कैसे मतलब चलते चलते रहे क्यों चलते रहना है डेटा डेटा क्या कह कह रहा है तो कह रहे है, कस्टमर्स आ गए मतलब अगर डेटा तो कह, कह रहा है तीन सौ कस्टमर्स आ गए हैं तो दैट मीनस कि किसी वजह से ही आए हैं ऐसे तो नहीं आ गए अपने आप तो खुद चल करके नहीं आ गए कुछ तो आपने एफर्ट किया ही होगा बहुत कुछ किया होगा तभी आए कोई छोटा नंबर तो नहीं होता तीन सौ तो जब 300 आ गए तो 600 भी आ सकते हैं हजार है, भी आ सकते हैं दो हज़ार भी आ सकते हैं बट नहीं आए तो अब समझना पड़ेगा नहीं आए तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है बट क्यों नहीं आए क्या मार्केट चेंज हो रही है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा बहुत सारे लोगों के जो रेस्टोरेंट्स थे वो बंद हो गए क्यों क्योंकि उनकी जगह का रेंट था जो मकान मालिक था उसने रेंट कम किया नहीं उनके पास में रेंट देने के पैसे नहीं तो उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया तो आप ये पूछ रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो ये तब पूछ रहे हो जब तक वो रेस्टोरेंट नहीं चला है यानी अपने खर्चे नहीं निकाल रहा है तब तो समझ आता है चल गया है फिर भी अगर नहीं चला तो हां हो सकता है कब हो सकता है अगर वापस से कोई दूसरा पैंडमिक आ जाए या फिर कोई अर्थक्वेक आ जाए या फिर साथ में कोई ऐसा रेस्टोरेंट खुल जाए जो आपसे बेटर आपसे कम प्राइस पे दे दे तो अब आपको अपने आप को चेंज करना होगा बट वो तो कहीं भी हो सकता है वो तो जॉब में भी होता है जॉब में आपने बहुत एफर्ट किया और उसके बाद में आपको निकाल दिया तो आप क्या करोगे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस तो, <laughs> तो कहीं नहीं हो सकते हैं बट ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आपकी एक जॉब लग गई है अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे तो दूसरी भी लग सकती है बट अगर तीन लग गई है अलग अलग कंपनीज में अब तीस भी मिल सकती है तीन भी मिल सकती है तीन भी मिल सकती है समझ गए एक तुक्के से मिल सकती है अगर आपको एक जॉब मिली है

पच्चीस छब्बीस अट्ठाईस साल की एज में जा करके कहीं पर सेटल हो जाओ क्योंकि आपको अब टेंशन नहीं है क्योंकि आपकी तीसरी या चौथी जॉब है आपको पता है अच्छा तीन मिल गई ना तीन जगह हो गया ना तो तीस भी हो सकता है तीन सौ भी हो सकता है समझ गया ना इस फंडे को हमने कैसे वहां पे अप्लाई किया बट आप एक जॉब के भरोसे बैठे हो आपने कहा नहीं अब तो जीना यहां मरना यहां और एक्चुअल में पंद्रह साल बाद उन्होंने आपको निकाल दिया अब दूसरी जॉब मिलती कैसे है वो आपको पता ही नहीं अब ऐसे पॉइंट पे जा करके जब पूरी फैमिली आप पर डिपेंड करती है खर्चे आपने अपने बढ़ा लिए हैं अब मार्केट में आप धक्के खा रहे हो कि मेरे को जॉब मिल जाए बट कभी आपने अपने आप को आजमाया ही नहीं मैंने क्या कहा जब तक सक्सेस नहीं मिलती है तब तक, तक इम चाहिए एक साल में जॉब करी छोड़ा अभी पेशेंस की जरूरत नहीं है फिर दूसरी कंपनी में गए वहां पर भी वो नहीं मिला जो चाहिए छोड़ा ठीक है रेज्यूम पर बुरा ना लगे एक साल में उसको भी छोड़ा तीसरे साल में उसको भी छोड़ा अब जाकर के आपको चौथी या पांचवी या छठी ऐसी एक जॉब मिली जहां पर जा करके आपको वो मिल गया है जो आपको चाहिए था अब यहां पे पेशेंस चाहिए अब वहां पे टिकना है क्योंकि तो अगर उसको छोड़ दिया तो पछताओगे जिंदगी भर <laughs> आया पकड़ में आपने एक बिजनेस किया नहीं चला छोड़ा दूसरा किया नहीं चला छोड़ा तीसरा नहीं चला छोड़ा अब चौथा चल गया है इसको नहीं छोड़ना है यहां पेशेंस चाहिए इसको बड़ा बनाना है इन अदर वर्ड्स आपने बीज बोए चार तरह के तीन में से कोई पौधा बाहर नहीं आया दस दिन हो गए बीस दिन हो गए एक महीना हो गया बट एक बाहर आ गया है उसको बड़ा होने में कई साल लगेंगे दो साल पाँच साल दस साल वहां पेशेंस चाहिए रिलेशन में भी ऐसा ही है अगर आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है वहां पेशेंस नहीं चाहिए जी वहां तो ब्रेकअप चाहिए वहां तो इम्पेश चाहिए कि अगर समझ आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में हमारा कुछ भी फ्यूचर नहीं है साथ में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है फिर भी आप साथ में रहे चले जा रहे हो तो क्योंकि आप में बहुत पेशेंस है आप सब कुछ टॉलरेट कर लेते हो तो यहां पे पेशेंस नहीं चाहिए बट जब कोई ऐसा इंसान मिल जाए लाइफ में जो आपको लेकर के भी उतना ही सीरियस है जितना कि आप उसको लेकर के सीरियस है अब ये एक मेरिकल से कम नहीं है अब यहां पर नहीं चाहिए क्योंकि ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस दुनिया में इट्स नथिंग लेस देन अ मेरिकल कि जिसको आप चाहते हो वो भी आपको चाहता है फिजिकली इमोशनली साइकोलॉजिकली अगर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पा रहा है आपका किसी इंसान के साथ में ये छोटी चीज नहीं है तो वहां पेशेंस चाहिए क्योंकि तो वहां भी अप्स एंड डाउन आएंगे वहां भी प्रॉब्लम आएंगी वहां पे कुछ पैचेज आएंगे कुछ फेजेज आएंगे उस रिलेशनशिप के जो बहुत बुरे होंगे तो वहां पे पेशेंस चाहिए रिलेशन को खत्म नहीं करना है सर आपने बार बार एक चीज़ जो अभी फोकस कर रहा है कि जब तुम्हें पता चल गया वो कन्विक्शन आ गया चाहे जॉब का हो या बिजनेस का हो कि ठीक है अब तुम्हें पेशेंस चाहिए वो कन्विक्शन आ गया और ये भी पता है कि ये होगा और फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं और इमोशंस के बेसिस पे नहीं और जैसे बिज़नेस जैसे आप कर रहे हो तो आपको पता है कुछ लो फेजेस भी आते हैं जहाँ पे डाउन हो रहा है बिज़नेस राइट ग्रोथ कम हो रही है और वहाँ पे तुम अडेप्ट करोगे देखोगे चेंज कर रहे हो चीज़ों को लेकिन वो थोड़ा टाइम लेती है एकदम से नहीं होता अगर कोई मार्केट में चेंज आया है कुछ भी ऐसा तो उस टाइम पे अपने आप को इवॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन इवॉल्व के टाइम पे, पे पेशेंस चाहिए तो क्या ऐसा अपने आप को बोले क्योंकि कभी कभी वो कह तो रहे हैं हाँ पेशेंस चाहिए और अडेप्ट कर रहे टाइम लग रहा है लेकिन उस टाइम पे, पे माइट भी वो फाइनेंशियली या कुछ भी चीज़ें जो अफेक्ट कर रही है तो उस टाइम पर क्या कर सकते हैं उस टाइम पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है एक कि बुरे वक्त के लिए पहले से तैयार रहना है आप एक बिजनेस कर रहे हो आज आप कह रहे हो कि मेरे 300 कस्टमर्स हो गए छः हज़ार रुपये मैंने लिए अठारह लाख रुपये यहाँ से लिए बाकी प्लेटफॉर्म ने ले लिए थोड़ा बहुत आपको मिल गया तो इसको पैसे को उड़ाना नहीं है जोड़ लो फालतू का खर्चा नहीं करना है क्योंकि ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है अप एंड डाउन चलता रहेगा फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी मैं बात करता हूँ वो ये नहीं है कि आपको बहुत पैसा आने लग जाएगा बहुत पैसा क्या होता है बहुत लोग हैं उनके पास बहुत पैसा आता है उनके खर्चे भी बहुत होते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है आपके खर्चे कम से कम कमाई ज़्यादा से ज़्यादा बट अगर कमाई जीरो भी हो जाए तो आपकी इतनी सेविंग्स हैं कि उस सेविंग से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके खर्चों को पूरा कर रहा है तब कह सकते हैं आप फाइनेंशियली फ्री हो सर तो ये तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया लेकिन पर्सनल लेवल पे जो इमोशंस लेवल पे एक हम डाउन फील कर रहे होते हैं लेकिन कन्विक्शन होती है तो वो चलता रहेगा लेकिन उस डाउन फेज को कैसे आप करें ठीक है फाइनेंशियली बैकअप प्लान है दैट इज वॉट आई एम सेइंग ये जो आप इमोशनली डाउन फील करते हो उसके पीछे एक रीजन होता है रीजन क्या होता है या तो आपके अंदर जो ग्रीड है उसकी वजह से आप डाउन फील कर रहे हो कि लाख रुपये महीने का आता माना बंद हो गया तो लालच का तो कोई अंत है ही नहीं वो तो अगर आप बीस लाख रुपए महीने का भी कमाने लग जाओगे एक करोड़ रुपए महीने का भी कमाने लग जाओगे जब किसी महीने में एक करोड़ की बजाय अस्सी लाख आएगा तो आप रोने लग जाओगे ऐसे बहुत लोगों को देखता हूं मैं अपने आसपास में जब देखो रोते ही रहते हैं उनको बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें महीने का पाँच दस लाख रुपये कमा तो रहे हो फिर भी रो रहे हो नहीं नहीं वो पिछले महीने ना मेरी इतनी सेल हुई थी उस महीने इतनी हो गई तो तेरे को कोई दिक्कत हो रही है किसी तरह की बच्चों की फीस देने में दिक्कत है घर खर्च की दिक्कत है कोई दिक्कत है नहीं कोई दिक्कत नहीं है फिर रो क्यों रहा है तो पहले तो ग्रीड को इन चेक रखो योर लाइफ मस्ट नॉट बी ड्रिवन बाई ग्रीड इफ इट इज ड्रिवन बाई ग्रीड इट इज ड्रिवन बाई इमोशंस और अगर वो इमोशन से ड्रिवन है आपकी लाइफ तो अप्स एंड डाउन चलेंगे तो पेशेंस की बातें होंगी बट पेशेंस कहीं नहीं है एक मिनट में एक्साइटेड हो जाओगे एक मिनट में डिप्रेस हो जाओगे बिजनेस में यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल बिजनेस हो जॉब हो इवन इन रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर देखो तीनों चीजों को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया बिजनेस जॉब और रिलेशनशिप तीनों में फंडा सेम है एक्साइटमेंट के बेस पे डिसीजन नहीं लेना है ग्रीड के बेस पे नहीं लेना है फियर के बेस पे नहीं लेना है आपको हमेशा प्रैक्टिकल रहना है तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है नंबर एक बुरा वक्त आए तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ तो झटका नहीं लगेगा इमोशंस में उथल पुथल नहीं होगी आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो अगर आपके पास में अगले एक साल की या दो साल की सेविंग्स हैं तो इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा जितना बड़ा तब लगेगा जब आपके सर पे कर्जा है घर का लोन गाड़ी का लोन इसका लोन उसका लोन और जॉब भी चली गई इसे बोलते झटका अब होएगा इमोशंस में उथल पुथल ये क्या है लैक ऑफ प्लानिंग लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्यूचर एक तरफ से इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए आपको सिक्योरिटी चाहिए वो सिक्योरिटी मिलती है प्लानिंग से सेविंग्स से तो ये जो हमारे इंडिया में सेविंग्स माइंडसेट है ये बड़ा कमाल का माइंडसेट है वेस्ट में कंजम्पशन माइंडसेट है और हम सब उनको देख करके कॉपी कर रहे हैं हम सबका भी माइंड सेट धीरे रहे कंजम्पन माइंड होता जा रहा है बड़ा खतरनाक है माइंड जैसे मेरी लाइफ का एक सिंपल सा फंडा रहा है आज से नहीं शुरू से ही कि गाड़ी लेनी है तो डाउन पेमेंट पे लेनी है फाइनेंस नहीं करानी सर पे एक रुपए का भी कर्जा नहीं रखना है किसी भी तरह का तो कोई लोड भी नहीं है अब उल्टे पुलटे मैं रिस्क उठा रहा हूं मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा यहां से लोन ले लिया घर गिर रख दिया ये कर दिया वो कर दिया तो फिर पेशेंस कहाँ है वहां पर इमोशनल स्टेबिलिटी कहाँ है वहां पर तो आप फड़फड़ाए हुए हो डरे हुए हो भाग रहे हो पागलों की तरह सही डिसीजन कैसे लोगे तो पेशेंस की जो फाउंडेशन है वो क्या है प्रॉपर प्लानिंग अगर ये होगा तो माइंड आपका वैसे ही पीसफुल होगा बट इतना भी माइंड पीसफुल नहीं हो जाना चाहिए कि आप कुछ करो ही ना आप कहो अब तो सेविंग्स पड़ी तो है क्या फर्क पड़ता है तो आप बिजनेस से आउट हो जाओगे यू विल बिकम रिडेंडेंट बिजनेस में लोग टाइम के साथ साथ में अगर, अगर अपने आप को नहीं बदलते हैं तो वो आउट हो जाते हैं तो एक तरफ से आपके अंदर एक अर्ज है अपने आप को अपडेट करते रहने की जो आप काम कर रहे हो उसको अपडेट करते रहने की उसको सीखते रहने की उसमें आगे बढ़ते रहने की उसमें ग्रो करते रहने की बट दैट इज़ नॉट ड्रिवन बाई ग्रीड दैट इज ड्रिवन बाई द पैशन ऑफ ग्रोइंग यहां से एनर्जी जनरेट करो आपको मज़ा आना चाहिए ग्रो करने में गलतियां करने में उससे सीखने में फिर कुछ नया इंप्लीमेंट करने में अपने आप को बेटर बनाने में यहां से एनर्जी मिलनी चाहिए यहां से नहीं कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है उतना आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है कभी कम आ जाएगा कभी ज़्यादा आ जाएगा कभी आ जाएगा कभी चला जाएगा अब इस काम में मेरे को पैसा मिल रहा है या मेरा पैसा जा रहा है अभी ये जो काम चल रहा है जा रहा है सर लेकिन पैशन के लेवल पे कोई कमी नजर आ रही है मेरे अंदर तो पैसा जा रहा है तो मैं खुश क्यों हो रहा हूं मैं हंस क्यों रहा हूँ क्योंकि सर पर्सनल लेवल पे वो अफेक्ट नहीं कर रहा आपने इतना कर रखी है प्लानिंग कर रखी है वो सारी चीजें कि ठीक है अगर यहाँ पे जा रहा है वो जा रहा है इसलिए क्योंकि वो मुझे एक हैप्पीनेस दे रहा है फीलिंग दे रहा है और ऐसा नहीं है आपका जा रहा है पैसा वो हमें लग रहा है जा रहा है आपके हिसाब से वो प्लानिंग है इसके लिए भी आपने अपना प्लान कर रखा है कि इतना मेरा यहाँ पे अलोकेट होगा और दिस इज समथिंग आई लाइक टू डू तो इस हिसाब से अगर मान लो आपको मान लो अभी आपका बिजनेस में उतना पैसा हो ही ना इसकी प्लानिंग के लिए ना हो तो आप जितना मर्जी पैशनेट हो तब भी नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली वन इज प्लानिंग कि ये जो मैंने प्लानिंग कर रखी है उसकी वजह से मैं पीसफुली ये सेशन कर पा रहा हूँ अगर मैंने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी होती लाइफ में तो ये मैं करने का सोच भी नहीं सकता करना तो बहुत दूर की बात है ये जगह मेरी अपनी नहीं है रेंट पे है तो आप समझ पा रहे हो ना और हर चीज के पैसे लगते हैं जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे तो उस सब की प्लानिंग कर रखी है जैसे एक इंसान एक प्लानिंग करता है कि मैंने इतना पैसा कमाया तो इसमें से दस परसेंट भगवान के नाम पे है तो ऐसे मैंने अपनी प्लानिंग कर रखी है इतना पैसा यहां पर यहां से क्या आएगा कुछ नहीं आएगा क्या मिलेगा सेल्फ ग्रोथ मिलेगी कुछ सीखने को मिलेगा कहते हैं टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस तो आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं अरे मैं तो खुद सीख रहा हूं मुझे आपकी क्या पढ़ी है सीखना है नहीं सीखना वो तो आपके हाथ में है ना कितना सीखना है कितना नहीं सीखना वो आपके हाथ में है दैट इज नॉट माई डिपार्टमेंट मुझे क्या मिल रहा है वो मुझे तो वो देखना है जब मैं सेशन में आया था तो मुझे थोड़ी पता था कि आप ऐसा कोई टॉपिक लेकर के आओगे तो वो टॉपिक आया उससे रिलेटेड क्या आने वाला है अंदर से वो मुझे खुद ही नहीं पता था लेकिन देखो कितना कुछ आया अब ये सब आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा मतलब ये सब क्या है ओरिजिनल है कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि कहीं से पढ़ लिया याद करके कुछ स्पीच दे रहा हूं सब कुछ स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब मैं ग्रो कर रहा हूं ना ये मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है पैसा आया गया प्रॉफिट लॉस अरे ये तो चिंदी लोगों की बातें हैं मे बी पैशन ऑफ लिविंग यू हैव पैशन टू लिव एंड वॉट इज लाइफ लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ योर कि देखता हूं मैं कहां तक जा सकता हूं इसीलिए आप देखोगे मेरे सेशन्स में मेरे चैनल पर आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा जैसे कुछ लोग हैं यूट्यूब पे उनके चैनल पे एक पैटर्न नज़र आएगा जो 10 साल पहले कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं सब कुछ सेम है क्योंकि जैसे ही कुछ अलग करते हैं लोग गालियां निकालते हैं लोग कहते हैं नहीं 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 हमें ये नहीं चाहिए हमें तो वो ही चाहिए तो वो लोग इन लोगों के गुलाम हैं ऑडियंस के गुलाम है मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूं मेरे को आप देखोगे जो अंदर से आता चला जाता है वो करता चला जाता हूँ जैसे जैसे आता चला जाता है कि नहीं अब इसमें हो गया छोड़ दिया जैसे पहले एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार करता था छोटे से वहाँ से शुरू किया फिर एक ऑडिटोरियम में किया वो जगह कम पड़ने लग गई फिर मैंने कहा यार अभी या बहुत हो गया उसमें सेम कॉन्टेंट होता था तो मैं बोर हो गया था मैंने कहा लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे मज़ा नहीं आ रहा सेम कब तक करता रहूँगा तो वो करता रहा छः महीने तक साल तक फिर उसके बाद में एक स्टेडियम में लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार किया खत्म टॉपिक क्लोज उसके बाद जो भी कुछ किया उस सब में अलग है हर सेशन में अलग कंटेंट है इस तरह से सोचना होता है कि व्हाट इज लाइफ अगर मजा आएगा कहां दो तीन लोगों के साथ बैठ करके बातें कर रहे हो इसमें हमें मजा नहीं आ रहा अरे मजा नहीं आ रहा तो भाड़ में जाओ ना कौन कह रहा है तुम्हें देखने के लिए अनसब्सक्राइब करो पता है ना एक बटन होता है नीचे अनसब्सक्राइब का वो करो और जाओ सीधी बात बट मुझे तो मजा आ रहा है मैंने किसी गठे का लिया हुआ है समझ गए पॉइंट क्यों हो पा रहा है ये सब कुछ क्यों क्योंकि फंडे क्लियर है लाइफ के नंबर वन प्लानिंग स्ट्रांग है नंबर फ्यूचर को देखना कि फ्यूचर में क्या जरूरत है कि ये सब जो अभी हो रहा है फ्यूचर में इसकी लोगों को क्या जरूरत है आने वाले पांच साल बाद दस साल बाद बीस साल बाद सौ साल बाद मैं तो वहां देख रहा हूं मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये एक दो साल पांच साल पे नहीं है मैं तो ये देख रहा हूं सौ साल बाद दुनिया में कितनी जरूरत होगी इस तरह के कुछ की जहां पर डायरेक्ट बात उनको समझने को मिलेगी बीच में कोई ठेकेदार नहीं है जैसे धर्म के ठेकेदार होते हैं ना बीच में मीडिएटर आ जाते हैं नो मीडिएटर ऑफ एनी काइंड डायरेक्ट 500 साल बाद भी कोई बंदा बैठा होगा डायरेक्ट देखेगा जो देखेगा इस तरह से जब आप चीजों को समझ लेते हो यानी योर लाइफ इज नॉट ड्रिवन बाय ग्रीड और फियर कोई देखता है देखे नहीं तो भाड़ में जाए फियर नहीं है ग्रीड क्या चाहिए क्या दोगे कुछ नहीं चाहिए लेकिन एनर्जी में अभी भी कोई कमी नहीं है पैशन में अभी भी कोई कमी नहीं है समझ पा रहे हो किस तरह से मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू टू डू इट एक ए थोरॉटिकली कोई कुछ बोल रहा है और खुद कुछ और कर रहा है आई एम डूइंग इट आई एम एक्चुअली लिविंग इट तो ये मत देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं ये देखो कि मैं जी कैसे रहा हूं आपको सब कुछ समझ आ जाएगा एक स्टेज ऐसी आ जाती है लाइफ में जिसके बाद में पेशेंस का भी कोई रोल नहीं होता है क्योंकि पेशेंस में इट इज इंप्लाइड के टाइम है बट वंस यू आर फ्री फ्रॉम टाइम तो पेशेंस भी नहीं चाहिए नाउ आई डोंट नीड पेशेंस फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं अभी कर रहा हूं इसके लिए अगर मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है कि इसको करके ये होगा एक साल बाद दो साल बाद पाँच साल बाद दस साल बाद तो पेशेंस चाहिए ना mm -hmm. अगर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो जैसे मंदिर में जाते हो पूजा करने तो वो दो तरह की होती है ना एक तो हाथ जोड़ करके कुछ मांग रहे हो भिखारियों की तरह ये hey, भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए. अगर मांग लिया तो पेशेंस चाहिए <laughs> <laughs> अगर कुछ मांगा ही नहीं जा करके थैंक्स करके आ गए तो अब क्यों चाहिए पेशेंस आई थिंक दैट सम्स अप एंटायर कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन जो भी आज हमने यहां पर करी है इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू एंड विश ऑल द बेस्ट